आइए हम मेमोरी ट्रेनिंग पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसको इम्पोर्टेंट डेज भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट डेज, IMP डेज। तो आइए एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेमोरी ट्रेनिंग में। मेमोरी ट्रेनिंग में पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था और मैंने ये बोला था कि बेसिक्स जो मैंने उस वीडियो में बताया था वो आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने किया नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज मत देखना, पहले आप उस बेसिक्स को कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। या तो आप इधर देखिए पहले वीडियो, फिर आप समझ जाएंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया था, वन को क्या, कौन से कोड से पढ़ा जाता है, टी और डी, टू को एन से, थ्री को एम से, फोर को आर से, फाइव को एल से, सिक्स को जी से, जे से, सी एच और एस एस से, सेवन को के और सी से, एट को बी और एफ से, नाइन को पी और बी से, जेड को एस और जेड से, ठीक है, जीरो को जेड और एस से। तो इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए जब भी कोई भी नाम बोला जाए। मैंने आपको प्रैक्टिस करने का भी तरीका बताया था कि आप रोड पे चलते रहिए, कोई गाड़ियों के गाड़ी के नंबर देखिए, उनको तुरंत कोड में कन्वर्ट कर दीजिए, या कोई कोड लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है किसी को, उसको तुरंत क्या कर दीजिए, कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने अभी बता दिया, तुम आपको बोला राकेश, तो राकेश का कोड विदाउट इसको लिखे हुए आप राकेश को बना के दिखाइए, राकेश क्या हो जाएगा, 476 476, आप फटाक से ऐसे कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले कोड याद हो गया, कोड याद करने टेक्निक भी मैंने बताई थी, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं क्यूब बताऊंगा, बट क्यूब से पहले क्यों मैं ये टॉपिक लिया, इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड में जितने इंपॉर्टेंट डेज है मैं सबके सब यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप तुरंत जवाब दे सकते हो। आपसे कोई किसी ने कोई भी वर्ल्ड डेज पूछा, इंपॉर्टेंट डेज पूछा, पूछा कैंसर डे कब है, एड्स डे कब मनाया जाता है, ये कोई भी डेज पूछे तो उनको आप तुरंत उनके मुंह पे जवाब दे सकते हो, एक सेकंड, दो सेकंड, मात्र दो सेकंड के अंदर, दो सेकंड क्या, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप एक सेकंड के अंदर ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आज मैं वही लेके आया हूँ कि इन सारे डेट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, इतने सारे डेट्स होते हैं, उन सारे डेट्स को हम किस तरह से याद करें। अगर मैं टोटल बताऊं तो कम से कम 150 170 180 डेट्स हैं टोटल, उनको आप याद कर सकते हो। एक दो महीने भी लग जाएंगे तो आप भूलने वाले हो, पक्का है, बट मेरी टेक्निक से आप अगर एक बार देख लिए तो इतना तो मैं कन्फर्म बोल सकता हूँ, अगर माइंड में आपने उसको सेटअप किया तो पूरी तरह से वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कॉमेडी इमेज बनाना, फनी रिलेट करना है, ये दोनों चीजों आपके माइंड में सेटअप होनी ही चाहिए, क्योंकि यही दोनों मुझे चाहिए, ये दोनों रहेंगी तो ही आप इसको कर सकते हो। कॉमेडी इमेज फनी रिलेट, ठीक है, कॉमेडी इमेज तुरंत बनाना है, फनी रिलेट कर देना है। कॉमेडी इमेज कैसे बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अभी मैंने आपको बोला कि ट्रेन जो है वो पहाड़ पे चलती है, ट्रेन जो है पहाड़ पे चलती है और फिर हवा में उड़ जाती है, तो आपको कैसा सुन के लग रहा है, कॉमेडी लग रहा है, ठीक है, ऐसा कभी होगा, ट्रेन पहाड़ पे चलेगा और फिर हवा में उड़ जाएगा, तो आप इसको इमेजिन करते हुए देख पा रहे हो कि पहाड़ पे चल रही है फिर हवा में उड़ गई, तो ये अब आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। सर ने ऐसा बोला था कि पहाड़ पे ट्रेन चलेगी और फिर सीधा उड़ जाएगी, तो इस तरह से आपने मैंने कॉमेडी इमेज बनाया और उसको फनी रिलेट करा दिया। फनी रिलेट किससे करा दिया, हवा से रिलेट करा दिया, सपोज हवा मेरा टॉपिक था, उसको मैंने हवा से रिलेट करा दिया इस तरह से। तो इन सारे चीजों को जो 20 डेज मैंने यहाँ पे लिखे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसके आगे भी मैं कराऊंगा, कम से कम मैं 60 70 कराऊंगा, उसके बाद का मैं सबका सब पीडीएफ बना के डालने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझसे ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए और मुझसे तुरंत टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। एक बार आप टेलीग्राम पे जुड़ गए उसके बाद आपको इन सारी चीजों को, यहाँ पे मैं पूरे डेट्स नहीं लिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चीजों को समझाने वाला हूँ कि किस तरह से याद किया जाए। मैं आपको यहाँ पे, आप मेरे पर डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि मैं अगर आपको उस टेक्निक बता दूंगा तो आप कभी भी कहीं पे भी आप चीजों को याद कर सकते हो। ये तो बीसी दिए हुए 40 से 40 60 60 आप कम से कम 10-15 मिनट में कर सकते हो और खत्म कर सकते हो, दोबारा उसको रीड करने की जरूरत भी नहीं, एक दो बार और रीड किया समझ गया खत्म। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना, रट्टा वाला काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गई रहेंगी। तो मैंने क्यूब क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसका एक रीजन है, क्योंकि क्यूब एक हाई लेवल पे है थोड़ा सा, और वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये सारी चीजें पहले फटाफट आनी चाहिए, कोडिंग कि हम किस तरह से चीजों को तुरंत वर्ड से नंबर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नंबर्स को वर्ड में, इस तरह से आएगा तो ही हम जाके क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूब मैंने आपको एक बार बताया तो आप मात्र तीन से चार सेकंड के अंदर क्यूब लिख सकते हो विदाउट याद हुए, याद भी नहीं करना है, माइंड में भी आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा पूरा का पूरा सीरीज इसी तरह से रहेगा कि आप पेन और बुक कुछ भी यूज नहीं करना है, ऐसे सीधे खड़े रहना है और पूछेंगे आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने 20 डे लिखे हुए इंपॉर्टेंट, ज्यादा ज्यादा इसमें जनवरी के दिए हुए हैं। मैं पहले लिख रहा था, मैंने सोचा कि पूरा कराऊंगा बट पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहां पे मैं पूरा का पूरा पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो।
तो 20 मैंने लिखे हुए, इसमें से ज्यादातर जनवरी के हैं और फिर दो चार यहाँ के फरवरी के मैंने लिख दिए हुए, ठीक है। इसके बाद के भी मैं मार्च अप्रैल मई तक जाऊंगा, फिर बाकी का हम डाल देंगे, पीडीएफ बना देंगे। चलिए तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको याद कैसे करना है, समझना कैसे, देखिए पहला दिया हुआ है लुइस ब्रेली डे। लुइस ब्रेली डे कब मनाया जाते हैं, लुइस ब्रेली डे कब मनाया जाते हैं, अब आप ध्यान से सुनिए, जो चीजें मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है और होते हुए देखना है, होते हुए देखना है मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सपोज मैं हवा में उड़ रहा हूँ तो आप अपने आप को देखो कि हवा में उड़ रहे हो, आप पहाड़ से गिर रहे हो, तो इस तरह से सोचो। अब आप देखो लुइस ब्रेली डे, लुइस ब्रेली डे आप रोड पे मना रहे हो, कहाँ पे मना रहे हो, रोड पे मना रहे हो, रोड पे आप खड़े हो, सब लोग आपको देख रहे हैं और आप लुइस ब्रेली ऐसे ऐसे चिल्ला रहे हो, ठीक है। कहाँ पे आप मना रहे हो, रोड पे, कहाँ पे मना रहे हो, रोड पे। रोड का कोडिंग क्या हो जाएगा, R4, यहाँ पे ये दोनों वोवेल्स से कट जाएंगे, बचेगा क्या D का 1 4 1। यहाँ पे अगर कोई दो नंबर साथ में आएगा, कोई भी दो नंबर साथ में आएगा तो उसको इस तरह से लिखना है, बीच में स्लैश डाल देना है, ये हमारा हो जाएगा 4 जनवरी। एक को किस कोड से बोला जाता है, जनवरी, मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो कोड नहीं है, कैलेंडर का कोड यहाँ पे यूज नहीं करना है, मतलब जनवरी पहले रैंक पे आता है, फरवरी दूसरे, मार्च तीसरे, अप्रैल चौथे, ठीक है, इस तरह से। तो 1 जनवरी आ गया और 4 तारीख आ गया, तो 4 जनवरी को हम लुइस ब्रेली डे मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, रोड पे मनाते हैं, तो आपको याद हो गया 4 जनवरी। कोड को तोड़ दीजिए फटाक से, वर्ल्ड डे ऑफ बॉल और फैंस, ठीक है, अनाथ बच्चों का कौन होता है, वर्ल्ड डे ऑफ बॉल और फैंस, ठीक है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनका कौन होता है, भगवान होता है, गॉड होता है, ठीक है। अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, उनका कौन होता है, गॉड होता है, उनका कौन होता है, गॉड होता है, अनाथ बच्चों का कौन होता है, गॉड होता है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर और फैंस, युद्ध में जो मतलब बच्चे रह जाते, जो बालिका बच जाते हैं, जो अनाथ हो जाते हैं, वो डे, ठीक है, तो कब मनाए जाते हैं, मतलब सॉरी उनका उनका कौन होता है, भगवान होता है, उनका कोई नहीं होता, भगवान को इंग्लिश में क्या होते, गॉड, गॉड कौन होता है, उनका गॉड, गॉड को कोड तोड़ दीजिए, वो है वोवेल्स कट जाएगा, जी से 6 हो जाएगा, डी से 1 हो जाएगा, 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अनाथ बच्चों का कौन होता है, गॉड होता है, उनका कोई नहीं होता, गॉड होता है, तो गॉड को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बीच में वोवेल्स कट गया, इसका 6 हो गया, इसका 1 हो गया, टी और डी 1, तो इसका 6 1, फटाफट करने आना चाहिए, ठीक है। एनआरआई डे प्रवासी भारतीय, एनआरआई लोग जो होते हैं वो बहुत बैड होते हैं, क्या होते हैं, बैड होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो बैड होते हैं, तो अब यहाँ पे बैड आ गया। अब बैड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक ही वर्ड दिख रहा है, 1, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो तो आप आगे क्या करेंगे, उसको 1 लगा देंगे वहां पे, ठीक है, बैड 1 और यहाँ पे 1 लगा देंगे, जब कोई नंबर नहीं आएगा तो वहां पे 1 ही होगा, ठीक है, इस तरह से। या तो इसका आप कोई और दूसरा कोड भी बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको इसी कोड से ही चलना है आपको, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको इसी कोड से चलना है, आप इसको क्या कर सकते हो, दूसरा कोड भी बना सकते हो, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको समझा सकता हूँ, समझाना है मुझे कि किस तरह से चीजों को याद करना है, ठीक है, ना कि उसको मेरे जरिए बताना कि ये जो मैं टेक्निक बता रही आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो उसी तरह से, ठीक है। चलो आगे क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, अब आप हंसी वाला डे कब मनाते हैं, तो आप ये इमेज बनाइए, कॉमेडी बनाइए कि सिर्फ आप ट्यूसडे जब होता है वीक में, जिस दिन ट्यूसडे होता है उस दिन आप बहुत हंसते हो, उस दिन आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा हंसते हो, जिस दिन क्या होता है ट्यूसडे होता है, तो ट्यूसडे को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 0 1, ठीक है, ट्यूसडे, ये 1 हो गया, ये कट गया वोवेल्स, ये कट गया वोवेल्स, 1 है, या एस है तो 0 आ गया, यहाँ पे डी है तो 1 आ गया, बाकी वोवेल्स कट गया, ठीक है। तो आप कब हंसते हो ज्यादा, ट्यूसडे को हंसते हो। चलो आगे, नेशनल यूथ डे, यूथ, युवा डे, युवा ले, आज के युवा लोग बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं, क्या पीते हैं, ठंडा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इसको कोड को अगर बनाएंगे तो 1 2 1, 12 जनवरी है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, TND, तो TN/D, अब ऐसा तो इसको करोगे ही ना, 2 1 आया तो यहाँ पे लाइन मार दोगे, 1 21 का मन तो होता नहीं है, तो 12 1, इस तरह से। तो युवा लोग क्या ज्यादा पीते हैं, ठंडा ज्यादा पीते हैं आजकल के युवा क्या करते हैं, ठंडा ज्यादा पीते हैं। आगे, इंडियन आर्मी,
इंडियन आर्मी डे आर्मी आप लोग को देख रहे हो, आर्मी को अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। क्यों हट्टे कट्टे होते हैं? क्योंकि वो डालडा खाते हैं। क्या खाते हैं? डालडा। डालडा की जानते हो? वो लोग क्या खाते हैं? डालडा की खाते हैं। अब डालडा को कोडिंग कर दो इसको, सिर्फ इसको कॉमेडी इमेज बना के फनी रेड करके पढ़ना है। तो आर्मी लोग बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या खाते हैं? डालडा खाते हैं। तो डालडा का अगर कोडिंग को इसको तोड़ देंगे और यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो क्या बचेगा? 151 15 जनवरी को मनाया जाता है। मुझे भी ये डेट्स याद नहीं है, मैंने सिर्फ ये चीजें ऐसे समझी हुई है और मुझे फटाफट आता है। उसी तरह से आप भी कर सकते हो। देश प्रेम दिवस, देश प्रेम, आपने देश से प्रेम किया, आपने देश से प्रेम किया इसलिए देश ने आपको नाम दिया, इसलिए देश ने आपको क्या दिया? नाम दिया। आप देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करते हो इसलिए देश ने आपको क्या दिया? नाम दिया। तो क्या हो जाएगा? 231, इसका 2, इसका 3, इसका 1, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो 231 है ना। 23 जनवरी। आगे नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, बालिका लोग, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका मेमोरी लिंक क्या है? बालिका लोग जो होती है वो नारद भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। कौन से भगवान की? नारद भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करती है। कौन से भगवान की? नारद भगवान की। नारद को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 241 है ना, 241, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 24 1। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे बता सकते हो। अगर किसी ने आपको पूछा कि बताओ, आप ऐसे खड़े हो, आपको बोला कि बताओ कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, तो आपको पता चला कि चाइल्ड डे, गर्ल्स चाइल्ड जो होते हैं, लड़कियां जो होती है, वो नारद भगवान की बहुत पूजा करती है, हद से ज्यादा पूजा करती है नारद भगवान की। तो नारद भगवान को कोड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नारद 4 1 नारद। उसी तरह से यूथ लोग क्या पीते हैं? ज्यादा ठंडा पीते हैं, तो ठंडा याद हो गया। लाफ्टर डे, आप कब सबसे ज्यादा कब हंसते हो? ट्यूसडे को हंसते हो। एनआरआई डे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बैड होते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, अनाथ बच्चों का कौन होता है? गॉड होता है। आप रोड पे मना रहे हो ये डे, ठीक है, चलो आगे। नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे मतलब कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे हमारे यहाँ पे न्यू ओल्ड दोनों आते हैं, जो न्यू होते हैं और जो ओल्ड होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं और जो जवान होते हैं, दोनों आते हैं। तो न्यू ओल्ड दोनों टाइप्स के आते हैं। तो इसको कोड करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये वो कट जाएगा, यहाँ पे एल है तो 5 हो जाएगा, 1। 25 जनवरी है, 2 5। तो आपको ये बहुत ज्यादा स्पीड में करना है, ठीक है। न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड, तो ये गेट कैंसल, यहाँ पे 2 कोड बन रहा है 5 1, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो 25 1 फटाफट एकदम, ठीक है, विदाउट कॉपी एंड पेन लिखना आपको। चलो, तो नेशनल टूरिज्म डे हमारे यहाँ पे ओल्ड और न्यू, न्यू ओल्ड दोनों लोग आते हैं, न्यू ओल्ड दोनों लोग आते हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे, इंटरनेशनल कस्टम डे, इंटरनेशनल कस्टम डे, एक कर होता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है कर। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स होते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो निषाद के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? निषाद। निषाद जो है पूरे भारत का क्या करता है? कस्टम ड्यूटी देता है। निषाद, निषाद क्या करता है? सोचो पूरे अगर भारत का कोई एक लड़का क्या दे पूरे कस्टम ड्यूटीज दे, तो क्या होगा? आप सोचो कि वो सच में दे रहा है पूरे भारत का, सोचो सच में सोचो कि वो अभी दे रहा है, तो उसका नाम क्या? निषाद लड़के का नाम। निषाद को कोडिंग कर दे तो क्या बचेगा? 261 है ना, 26 जनवरी। इस तरह से आपको स्पीड बनाना है। वोटर डे, वोटर डे क्या मनाया जाता है? वोट डालने का डे का मनाया जाता है, वोटर डे का मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे वोटर डे जो होते हैं वो न्यू और ओल्ड दोनों बच्चे देते हैं, मतलब न्यू जो जनरेशन में न्यू आ रहे हैं और जो बूढ़े हो चुके ओल्ड हैं वो भी देते हैं, तो न्यू और ओल्ड दोनों देते हैं, ठीक है। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा? 251, वो भी 25 तारीख को ही मनाया जाता है, ठीक है। और कौन सा डे 25 तारीख को मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे, क्योंकि यहाँ पे न्यू ओल्ड दोनों लोग आते हैं देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हो गया इम्यूनाइजेशन डे, टीकाकरण, टीकाकरण डे कब मनाया जाता है? तो टीकाकरण डे कब मनाया जाता है? आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको टीकाकरण कौन दे रहा है? देवी दे रही है, देवी, देवी भगवान, जो देवी होती हैं, देवियां हमारे इंडिया की जो देवियां होती हैं, वो आपको दे रही है टीकाकरण। कौन दे रही है? देवियां। सोचो आप कितने नसीब वाले हो कि आपको टीकाकरण कौन कर रहा है? देवी दे रही है, देवी ने नहीं अगर दे, देवी दे रही है, ठीक है। तो देवी को कोडिंग करेंगे तो क्या बचेगा? 181 8, इसका इसका 1 और इसका 1, ठीक है। तो ये हो गया आपको
देवी, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, मेडल्स डे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अब इसको देखो, अब मैं इसको आपको दो दो चीजें बताई थी, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट, ये कहां यूज हो रहा है। तो पहले मैं इसका कॉमेडी इमेज बनाऊंगा, तो मेडल्स डे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले मैं इसका कॉमेडी इमेज बनाता हूं कि जिसके घर पे कोई शहीद हो जाता है, कोई आर्मी में शहीद हो जाता है, उसकी माँ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। क्या हो जाती है, सैड हो जाती है, और रियलिटी है सैड हो जाती है, तो माँ सैड हो जाती है। जिसके घर पे कोई शहीद हो जाता है उसकी माँ क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। तो मैंने फनी इमेज बनाया और उसको रिलेट कर दिया, किससे, इससे ही रिलेट कर दिया ना, पहले फनी इमेज बनाया फिर किससे रिलेट किया, इसी से रिलेट कर दिया। तो ये हो गया फनी इमेज एंड कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट। माँ सैड हो गए, किसकी माँ सैड हो गई, जिसके घर पे कोई शहीद हो जाता है, उसको कोडिंग करोगे तो क्या बचेगा, 201, ठीक है, इसका 2 आएगा, एम सॉरी माँ ना, माँ और सैड, 0 और 1, तो 30 जनवरी, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, कुष्ठ निवारण डे, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, लेप्रोसी प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, ये बात याद रखो, जब किसी को कोई कुष्ठ रोग हो जाता है, जब किसी को, किसी लड़के को कोई कुष्ठ रोग हो जाता है, तो उसकी माँ भी क्या हो जाती है, सैड हो जाती है, उसकी माँ भी क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। तो इसका भी क्या आएगा, ठीक है, उसकी माँ भी सैड हो जाती है। तो लेप्रोसी प्रिवेंशन डे कुष्ठ निवारण, किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो उसकी माँ क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। किसी के घर में कोई शहीद हो गया तो उसकी माँ क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। टीकाकरण हमको कौन दे रहा है, टीकाकरण देवी दे रही है। वोटर डे कौन कौन जाता है, न्यू ओल्ड दोनों जाते हैं देने के लिए। इंटरनेशनल कस्टम डे कौन दे रहा है, निषाद दे रहा है, पूरे वर्ल्ड का कस्टम डे दे रहा है वो, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे, न्यू ओल्ड दोनों आते हैं देखने के लिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो बालिका लड़कियां होती है वो किसकी पूजा ज्यादा करती है, नारद भगवान की, ओके। अब क्या दिया हुआ है, सूर्योदय डे, ठीक है। सर्वोदय डे क्या होता है, अब इसका कॉमेडी में कैसे बनाएंगे, सर्वोदय डे जो होता है वो अच्छा ऐसा याद करो, सबके घर में सूर्योदय हो गए, सूर्य भगवान ने सबके घर पे सूर्योदय कर दिए, सिर्फ हमारे घर पे सूर्योदय नहीं हुआ, हमारे घर पे अभी भी अंधेरा है, हमारे घर पे अभी भी अंधेरा है, तो मेरा होम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। मेरा होम बोलेगा, मेरा होम क्या बोलेगा कि मेरे ऊपर तो कोई लाइट ही नहीं आई, मैं तो अंधेरे में हूं, बट सूर्य भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो होम मेरा क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। इसको कोडिंग कर देंगे तो 301, ठीक है, 301 तो बन गया ना, यहाँ पे 3 होम M 01, ठीक है, मेरा होम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर, किसी को कैंसर हो जाता है तो कैसे ठीक होगा, उसका दवा मैं बताता हूँ। किसी को भी कैंसर होगा तुरंत ठीक हो जाएगा, आयरन का दवा खाके। किसका दवा खाके ठीक होता है, आयरन। मेरे गांव में एक मरीज था, उसको मैंने लोहा खिला दिया, लोहा को ऐसा एक उसको बारीक किया, उसके मुंह में डाल के पिला दिया, उसको ठीक हो गया, उसको कैंसर हुआ था। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, अब इसको कोडिंग कर दो, इसको क्या करेंगे, 4 4 2, है ना, आई कट गया वोवल से, ये वोवल से कट गया, इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया, तो 4/2, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर कैसे ठीक होता है, आयरन खा के, आयरन लोहा खा के ठीक हो जाता है कैंसर, तो उसको कोडिंग तोड़ेंगे तो 4/2 आ जाएगा। कश्मीर डे, कश्मीर डे कब मनाया जाता है, अब सोचो मुझे कैसे याद है, मुझे इतने सारे डेट्स, मुझे पूरे डेट्स याद है, सबके सबके डेट्स याद है मुझे, क्यों याद है, क्योंकि मैंने उसको याद ही नहीं किया है, इसीलिए मुझे याद है, ठीक है। कश्मीर डे, कश्मीर डे कब मनाया जाता है, अब मैंने कश्मीर डे को याद नहीं किया, मैंने कश्मीर से उसको रिलेट कराया, कश्मीर पे मैंने देखा एक बहुत बड़ी लाइन खींची हुई है हमारे पाकिस्तान से और हमारे इंडिया से, तो क्या खींची गई है, लाइन खींची गई है, तो लाइन को कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 5/2, क्या बचेगा, 5/2, ठीक है, एकदम स्पीड में आपको करना है, अगर आपको स्पीड बनाना है तो ये कट गया, ये कट गया, 5 और N को 2 लिखा जाता है, 5 को I लिखा जाता है, तो ये हो गया लाइन। 5 फरवरी को मनाया जाता है कश्मीर दिवस। आगे रोज डे, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये रोज डे। आप सोचो कि आप एक गर्ल्स हो, ठीक है, आप बॉयज हो पता है, लेकिन फिर भी आप सोचो एक गर्ल्स हो, और आपको धोनी ने रोज दिया, आपको किसने रोज दिया, धोनी ने रोज दिया, बोला कि लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए रोज है, तो किसने दिया आपको, धोनी ने दिया, धोनी ने आपको रोज दिया। सोचो ये दिन कभी होगा, लेकिन सोचो फिर भी कि आपको धोनी रोज दे रहे हैं, ठीक है, तो धोनी ने रोज दिया। इसको कोडिंग को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2/1, ठीक है, 1/2/2,
डी है वन आ गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एन है टू आ गया, ई कट जाएगा, यहाँ पे टू है ई कट जाएगा, ठीक है। धोनी ने आपको क्या दिया, रूज दिया। आप इसको लिख लिख के पहले प्रैक्टिस कीजिए, 5-6 बार आप इसको लिखेंगे, लिख लिख के बनाइए इसको, और फिर 1-2 बार विदाउट देखे लिखिए, करिए 2 मिनट, 1-2 दिन का प्रोसेस है, तुरंत सारे के सारे याद हो जाएंगे। जितना स्पीड आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको सॉल्व होते चला जाएगा। ओके चलो आगे, नेशनल साइंस डे, रोज डे हो गया, नेशनल साइंस डे क्या है, नेशनल साइंस डे। अब ये मैंने कैसे याद किया, मैंने ये याद रखा है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जो पढ़ाई में तो एकदम जीरो है, हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। वो लड़का ऐसा है कि सब सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, बट एक सब्जेक्ट में वो 100 मारता है, 100 में से 100 मार देता है। उसका नाम क्या है, एन से ही उसका नाम स्टार्ट होता है, उसका नाम है नवीन। क्या नाम है उसका, नवीन। जब मैं ये एन देखता हूँ और साइंस देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि नवीन ही एक ऐसा लड़का है जो साइंस में 100 में से 100 लाता है, बाकी सब्जेक्ट में उसको 0 मिलता है। तो नवीन इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे नवीन, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 282 बन जाएगा, ठीक है, 282, ये 2 हो गया, 82, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। अब यहाँ पे जस्टिस वर्ड है तो इस जस्टिस को लेके ही मैं एक कॉमेडी इमेज बना देता हूँ। जस्टिस किसको किसको मिलता है, जस्टिस उसी को मिलेगा जो इंसान होगा, ना कि जानवर होगा। जानवर को कुत्ते को अगर कुत्ता जाएगा न्यायालय में बोलेगा मुझे जस्टिस चाहिए, उसको मिलेगा, बोलेगा किसी गाड़ी वाले ने मेरा पैर दबा दिया, आप बताओ मुझे जस्टिस दो, मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। खाली किसको मिलता है, इंसान को मिलता है, किसको मिलता है, इंसान को ही जस्टिस मिलता है। यहाँ पे स्पेलिंग्स मायने नहीं रखती, आप ध्यान दीजिए जरा, स्पेलिंग्स यहाँ पे मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि कोडिंग को आप खुद बना सकते हो तो स्पेलिंग रॉन्ग भी रहेगा चलेगा, क्योंकि आपको याद करना है वो आपको समझना है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आप इसी से याद करिए इसको। तो इंसान है, आई कट गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2, एन 2, एस 0, ए कट गया, एन 2, 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर अब मुझे ऐसा कोई पूछेगा कि मैं ऐसा खड़ा हूं, मुझे बोलेगा कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो मुझे तुरंत नेशनल साइंस डे मुझे याद आएगा, नवीन, नवीन का क्या होगा, 282, ठीक है, इस तरह से याद आना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे किसी ने बोल दिया तो मुझे क्या याद आएगा, आयरन, ठीक है, आई आर ओ एन, तो आयरन सीधी सी बात है 42 हो जाएगा, तो मैं अपने माइंड में आयरन सोचूंगा और उसको कोडिंग करके 42 बोल दूंगा। रोज डे, रोज मुझे कौन दे रहा, धोनी दे रहे हैं, तो धोनी ने दिया, लास्ट में तो 2 है तो फरवरी में मनाया जाता है। धोनी, धोनी को कट कीजिए तो 1, डी से 1, धो नी 2 12, ठीक है, इस तरह से। तो आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। लुइस ब्रेली डे कहां पे मना रहे हैं, रोड पे मना रहे हैं, कोडिंग उसको तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, रोड 4141। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, कौन होता है इनका, गॉड होता है, किसी अनाथ बच्चों का कौन होता है, गॉड होता है, गॉड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, गॉड, जी है 6-1। एनआरए डे बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, बैड होते हैं, उसको कोडिंग कर लो। वर्ल्ड लाफ्टर डे, आप कौन से ट्यूजडे को हंसते हो, उसको कोडिंग कर लो। युवा लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं, ठंडा, आजकल के युवा ज्यादातर ठंडा पीते हैं, आर्मी लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, इसलिए वो क्या खाते हैं, डालडा खाते हैं। देश प्रेम, आपने देश से प्रेम किया इसलिए देश ने आपको क्या दिया, नाम दिया, नाम को कोडिंग कर देंगे तो 2-3-1। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नारद चाइल्ड, बच्चे, बालिका जो होती है बहुत ज्यादा किसकी पूजा करती है, नारद की, तो नारद। 24 नेशनल टूरिज्म डे, यहाँ पे न्यू ओल्ड दोनों आते हैं, तो न्यू ओल्ड 1 25 जनवरी, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम डे, सबका सब कौन भर रहा है, निषाद भर रहा है, तो निषाद कर देंगे। वोटर डे, न्यू ओल्ड, वोटर डे कौन देने जाते हैं, न्यू ओल्ड दोनों जाते हैं, तो उसका डेट क्या होगा, 25-1। इम्यूनाइजेशन डे, टीकाकरण कौन दे रहा है आपको, देवी दे रही है, सोचो आप कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, आपको देवी, भगवान, देवी दे रही है आपको, देवी टीकाकरण दे रही है। मेट्रोइड डे का बताया है ये, मेट्रोइड डे, शहीद दिवस को मनाया जाता है, सॉरी, जब किसी घर में कोई शहीद हो जाता है तो उसकी माँ क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसकी माँ सैड हो जाती है। सूर्योदय, मेरे घर पे कोई लाइट नहीं पड़ी तो मेरा होम क्या है, सैड है। वर्ल्ड कैंसर, कैंसर कैसे ठीक होता है, किसी को आयरन कूट की खिला दो, उसके मुंह में भर दो आयरन, तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कश्मीर डे, कश्मीर पे आ जाओगे आपको लाइन मिलेगा। रोज आपको कौन दे रहा है, सोचो, धोनी रोज दे रहा है, तो धोनी ने। नेशनल साइंस डे, नवीन साइंस में सबसे तेज है, बाकी सब्जेक्ट में 0। वर्ल्ड सोशल जस्टिस, जस्टिस कुत्ते को नहीं मिलता है, सिर्फ इंसान को मिलता है। ओके, तो आपको 20 याद हो गए, अगर मैं बोलता हूँ आपको यही 20 आप खाली रट के याद करके दिखाइए तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, ये हालत है। तो आप समझ गए आपको, तो ऐसी यही चीजें मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा,
ठीक है। आगे चलते चलते अभी मैं कम से कम 40-50-60 करा दूंगा, बाकी का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दूंगा, उस लिंक से आप कहां जाओगे टेलीग्राम पे जुड़ोगे, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और 20 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानते हैं।